हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे देखेंगे एक नई वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डेंस फैक्ट्री में आपको जो है ये वैकेंसी निकली है और क्या क्या इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगी, कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, क्या लास्ट डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कितनी एज लगेगी आपको, कितनी फ़ीस है एप्लीकेशन, हम पूरी जानकारी जानेंगे डिटेल से इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे डिपार्टमेंटल का ही क्यों ना हो, हम आपके लिए लेकर आते हैं सभी प्रकार के सरकारी नौकरी के फॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको हम उसका बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपकी कट ऑफ जाने की एक्सपेक्टेड रहेगी, कब तक आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, कब से आप जो है इसका हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी इसका टोटल डिटेल्स होते हैं, यानी कि आपको पूरा का पूरा ब्यौरा जो है हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं हमारे चैनल पर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर न करते हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 23, जी हाँ 23 फील्ड एमिनेशन रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, तो FAT रिक्रूटमेंट 2020 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, इंडियन आर्मी। एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट फॉर 223 एडवांस बेस ऑर्डेंस डिपार्टमेंट। जी हाँ, 223 और 17 फील्ड एमिनेशन डिपार्टमेंट और 23 फील्ड एमिनेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको तीन जगह जो है आपको टोटल वैकेंसी निकली है। तो आइए जानते हैं पहले पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जो पोस्ट देखना है वो ये है कि आपकी जो इसमें पोस्ट है वो है सबसे पहले ट्रेड्समैन मेट। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्समैन मेट, जिसके आपके लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है 62, यानी 62 पोस्टों के लिए आपका जो है 62 पोस्ट के लिए आपकी पोस्ट का नाम है ट्रेड्समैन मेट। और उसके बाद सेकंड पोस्ट है वो MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके लिए आपको 35 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, 35 वैकेंसी यहाँ पे दी है। थर्ड पोस्ट जो है वो है आपका फायरमैन का, उसके लिए 9 पोस्ट है। और लास्ट वन जो आपका है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसके लिए 2 पोस्ट है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपके पास हो जाती है 108। तो दोस्तों टोटल 108 पदों के लिए जो भर्ती निकली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए। तो पहले हम बता देते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि पहली क्वालिफिकेशन जो आपका पोस्ट वन है यानी ट्रेड्समैन की, तो आपको यहाँ पे देखिए 10th क्लास, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए आपको, कुछ भी और एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10वीं एग्ज़ाम जो है पास कर चुके हैं और आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 2 MTS, MTS की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है और कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, आपको कोई भी एक्सटर्नल नहीं, ITI वगैरह डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं का मार्कशीट लगेगा। 10वीं क्लास अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। नंबर 3 पे आ जाते हैं, पोस्ट नंबर 3, तो यहाँ पर जो है आपको 10वीं क्लास पास होना चाहिए। सेकेंड जो है ये फायरमैन की पोस्ट है दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा थर्ड वाला, तो ये 10th क्लास पास होना चाहिए। सेकंड जो इसमें आपको जो क्राइटेरिया है वो है हाइट विदाउट सूट 165 सेंटीमीटर। जी हाँ, आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट सूट, यानी कि आप कुछ पहने नहीं होंगे, आप एकदम नॉर्मल अगर खड़े होंगे तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की जो साइज़ है वो आपकी अनएक्सपेक्टेड जो होता है, मतलब बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपांड जब करेंगे तो 85 सेंटीमीटर तक जानी चाहिए। वेट आपका 50 किलो होना चाहिए। जी हाँ, इसके नीचे रहा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सारी क्राइटेरिया है फायरमैन के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 पे आते हैं, पोस्ट नंबर 4, 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए या इसके समतुल्य कुछ भी आप जो हो। अब बात करते हैं एज की, एज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 18 साल, मैंने बता दिया कि 18 साल आपको कम से कम उम्र होनी ही चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 25 साल, और वो जो आपकी तारीख होगी जन्म की गिनी जाएगी, गणना जो की जाएगी वो 4 जनवरी 2020 से की जाएगी, यानी 4 जनवरी को आप अगर 18 साल कंप्लीट होते तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 25 वर्ष तक मैक्स टू मैक्स हैं 4 जनवरी तक तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब रही बात कैटेगरी में छूट मिलेगी, जी हाँ आपको एज रिलेक्शन मिलेगा, SC ST को 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, तो यहाँ पे आपको उम्र में छूट मिलेगा। अगर आप SC ST में है, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष तक है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, OBC में है अगर 28 वर्ष तक है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली दोस्तों ये जॉब लोकेशन आपका सेंट्रल है, तो यानी ऑल इंडिया रहेगा। फीस में देख लीजिए, यहाँ पर नो फीस है, यानी फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो फीस।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं एड्रेस टू सेंड एप्लीकेशन, जी हाँ आपको इसी एड्रेस पे जो है आपका इस फॉर्म को भेजना होगा। जी हाँ द कमांडेड 23 फील्ड एम्यूनेशन डिपार्टमेंट, पिन नंबर देखिए 909723 केयर ऑफ 56 APO। लास्ट डेट जो है सबमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 4 जनवरी 2020। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट आपको देनी बहुत ज़रूरी थी, बहुत ही अच्छा चांस है आप सभी के लिए। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कीजिए। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी पूछना आप इसके वैकेंसी के बारे में, कुछ भी सिलेबस वगैरह, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बट अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक नई जानकारी, एक अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।